इस वक्त पाकिस्तान में दो तस्वीर दिखाई दे रही है। एक और प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर चुके हैं, तो दूसरी ओर आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। आटे दाल चीनी की कीमत आसमान छू रही है। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये खुलासे पाकिस्तान के सर्वोच्च पदों पर आसीन लोगों की आय को लेकर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस देश में आम जनता अनाज के लिए तड़प रही है, उस देश के राजनेताओं और जजों के खर्चों का कोई ब्यौरा ही नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सैलरी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलती है। चीफ जस्टिस की सैलरी सबसे ज्यादा है और प्रधानमंत्री का वेतन तो उनके मिनिस्टर से भी कम होता है। पाकिस्तान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर मिनिस्टर्स तक की सैलरी बताई है। साथ ही इनको मिलने वाले भत्तों और विशेष अधिकारों के बारे में भी कई खुलासे किए हैं। पीएसी ने बताया है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तुलना में 7 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों के अनुसार पीएम को मात्र 2,01,574 रुपए मंथली सैलरी मिलती है, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति की सैलरी 8,96,550 रुपए है। इन दोनों से कहीं ज्यादा सैलरी 15,27,399 रुपए चीफ जस्टिस को मिलते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जजों को 14,70,711 रुपए मिलते हैं। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर को 3,38,125 रुपए सैलरी मिलती है। ये सैलरी प्रधानमंत्री को मिलने वाली सैलरी से भी ज्यादा है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली सदस्य को हर महीने 1,88,000 रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा पाकिस्तान में ग्रेड 22 अधिकारी की सैलरी 5,51,475 रुपए महीना है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में फिलहाल राष्ट्रपति के पद पर आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री के पद पर शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस के पद पर उमर अता बंदियाल काबिज है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्तों और विशेषाधिकारों के बारे में जानकारी नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चेतावनी दी है। कमेटी ने अब उनसे बीते 10 साल से ज्यादा के खर्च के ऑडिट की जानकारी पेश करने को कहा है। पाकिस्तान में दिख रहे हालातों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।